ऐसे पवन हमरा खातिर आज तक गायक निखन रहल नीमन नीमन गीतिया अब गावे गवैया लोग नीमन गीतिया लिखस गीतकार पद करता ये समाज के बाँटता जे समाज के भाव भावना के बाँटता उ न कबो गीतकार रहल बा न कबो गायक रहल बा कि भोजपुरी खातिर उहे कलम चलावल जाओ जौन भोजपुरी माता के भोजपुरी संस्कृति के सम्मान के बढ़ाए। आज भोजपुरी में चाहता है हर कोई कि सुपर स्टार के लिए गीत लिखे, पावर स्टार हो चाहे ट्रेंडिंग स्टार हो चाहे कोई भी स्टार गायक के लिए हर कोई गीतकार गीत लिखना चाहता है। लेकिन आज हम बताना चाहते हैं कि वो स्टार बनाने के पीछे शुरुआती दौर से कौन से गीतकार किससे जुड़े हुए थे ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे गीतकार जो कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ, जी आपने सही सुना, पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ शुरू से ही जुड़े हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने 50 गाने पवन सिंह को दिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि शुरुआती दौर में पवन सिंह जी की क्या स्थिति थी, किस तरह से वो अपना नाम कमाने के लिए क्या क्या किया उन्होंने। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। हम कुमार अजय सिंह, भोजपुरी सेवक, भोजपुरी गीतकार। अच्छा, पवन सिंह जी के कितना गाना दिले भाई शुरुआत में और कब कब शुरुआत में? ऐसे पवन हमरा खातिर आज तक गायक निखन रहल। पवन हमार बेटा रहल बड़न, इससे कि पवन से जब से हमरा संबंध भइल तब से वो चाचा हमरा के कहलन, हम उनकरा के बेटा कहिला। तो एगो बेटा से एगो बाप के उहे उम्मीद रहला जौन एगो बेटा बाप में सामंजस्य होला। पवन आज से लगभग 18-20 साल पहले से हमरा से जुड़ल बड़न। अब पवन के माने हमारे सौभाग्य कहाई कि पवन ऐसन होनहार बेटा के हम गीत लिखे के शुभारम्भ कैनी। तो पवन सिंह के कैसेट कंपनी में जाके लाइफ के शुरुआत दौर के जौन भी एल्बम बैली सा साक्षी के तौर पर हमार गीत ओकरा में बड़ुए रहत आइल बा। हनुमान जी के कृपा से जब हमार कलम चलल तो प्रभु हमार लाज बचौनी और वो बेटा के दिन दुगुना रात चौगुनी कह के आज ध्रुव तारा के तरह, चांद के तरह, सूरज के तरह ओह प्रबुद्ध स्थान पर पहुँचल बड़न जहाँ एगो कलाकार के पहुँचे के एगो गीतकार से अपेक्षा रहे। तो हम पवन सिंह के बहुत गीत लिखले बानी। सबसे पहला गीत रहे कि जब टी सीरीज में जाके पवन के ऐसे तो बहुत कंपनी में आई रहे गाना, उनकर पहले बी सीरीज में आईल, रामा में आईल, ओहू में हमार गीत रहे। वो एल्बम के नाम रहे चलवेबू लाठी भाला गोरिया, ओकरा में गीत रहे हमार देखनी सपनवा में अहम अले मोर सजनवा। ऐसे ऐसे अब तो हमरे गीत हमरा याद ना रहे, चूँकि माँ सरस्वती के कृपा से दसहन बीसहन हजार गीत हमरा कलम से लिखल बा। करीब 50 गो महाभारत से, रामचरित्र मानस से, रामायण से हमरा प्रसंग लिखल बा। आखिर हमरो दिमाग हम मेमोरी हो कितना हम याद रखब। फिलहाल में कोनो गीत लिखनी है ना पवन? तो घड़ी पवन के गीत हम देले बानी नामी नामी गीत जन भई रहे, सुनै दुपट्टा वाली सुपर हिट कैले रहे, बवाल हो गई। ओ घड़ी पवन की उम्र लगभग 15 साल भी ना हुई शायद, ओ घड़ी के दौर में हम भोजपुरी के सेवा करत पवन से वो गीत गवले रही भिखारी ठाकुर जी के धुन पर कि पेन के नया नया साड़ी भौजी होके तैयारी सौदा कीने लगली घूम घूम बजरिया में, जो उनकी कमांडर वाला में ये गीत आई रहे, बड़ा पॉपुलर भई रहे। ओ लड़क हती मुठ लड़का के मुँह से जब भिखारी ठाकुर के धुन दुनिया सुनल तो लड़का के चापासी मिलल, कुछ प्रतिष्ठा हमरो मिलल। एकरा खातिर हम नमस्कार करत बानी, प्रणाम करत बानी, भोजपुरिया समाज के हमेशा सर झुका के चरण में बंधन करत रहिला, अब भविष्य में भी करत रहब। अच्छा, हाल फिलहाल में पवन सिंह जी काफ़ी ऊंचाई पे पहुँच गए, सुपर स्टार बन गए, तो हाल फिलहाल में कोनो गीत लिखनी है कि ना? गीत तो हम अनवरत हमेशा लिखत आवत नहीं, आ कभी भी हम
भोजपुरी के क्षेत्र में हम कबो आज तक ई नहीं खी रखले कि फलनवे लोग के हम गीत देहब, फलनवे खातिर कलम चलाइब। ना 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 ना, जे भी भोजपुरी के सम्मानित कलाकार बा, जे भोजपुरी के संस्कारी कलाकार बा, ओह कलाकार लोग हमेशा हम कलम चलावत आइला, चलावत आयल बानी। अनवरत भोजपुरी के निर्गुण लोकगीत, सोहर, भिखारी जागीर के धुन, महेंद्र मिश्र जी के धुन पर अनेकों गीत हमार आयल बा आवता। अभी हाल फिलहाल के दिन में रहस अभी सुनले हो खब कि बहुत कार्यक्रम में भी गीत गवाता, डिमांड भी लोग से आवेला। भोजपुरिया समाज कहल कि भैया एगो भोजपुरी खातिर गीत लिखी, तो हमें गीत लिखनी कि अरे भाषा भोजपुरी, भाषा भोजपुरी, आपन जन्मे के बोलिया हा, एकरा के राखी लोग सम्हार, नीमन नीमन गीतिया अब गावे गवैया लोग, नीमन गीतिया लिखस गीतकार। ऐसन ऐसन हम गीत पर कलम चलाइला आ प्रयास करीला कि भोजपुरी खातिर उहे कलम चलाओल जाओ जौन भोजपुरी माता के, भोजपुरी संस्कृति के सम्मान के बढ़ावत हो। अच्छा, अभी के दौर में जैसे संस्कारी कलाकार के बात कहनी, गायक के बात कहनी, तो रउआ हिसाब से अभी के दौर में संस्कारी गीत का कलाकार कौन बने, जौन संस्कारी गायक कह सकिन के बने? हमारा हिसाब से, हमारा नजरिया में जे भोजपुरी के सुहमान के रक्षा करत हुई, जे भोजपुरिया संस्कृति के अपन बेटी बहन मतारी जानत हुई, जे भोजपुरी साहित्य के अपन वेद पुराण जानत हुई, जे उ गीत गावत हुई जौन गीत गौला से एगो परिवार सुन सके, ओ परिवार में विचार भाव उत्पन्न होके उ गीत मंदिर पर बाज जाए, उ गीत मस्जिद पर बाज जाए, उ गीत बेटी बहन हमर सुन सकस, वही कलाकार के हम सभ्य कलाकार मानिला, वही कलाकार के अपना भोजपुरिया संस्कृति के रक्षक कलाकार मानिला, रक्षक गीतकार मानिला, रक्षक साहित्यकार मानिला। अच्छा, अभी रक्षक के बने कौन गायक, अभी रक्षक माना तनी कौन गायक के? बहुत लोग बा, हमरा मुँह से अगर एक अभी के दौर के, अभी के दौर की बताओ तनी, हमरा मुँह से अगर एक आदमी के, दो आदमी के अगर नाम आई तो हमरा खाती बहुत बेतुका शब्द हो जाए। ऐसे हम अतने कहब कि जे भी कलाकार जनता के दिल में बैठल बा वो आज के सुपर कलाकार बा। मतलब नाम लेकर नहीं बतावल चाहत, काहे कि एक दो नाम चल जी तो लागी कि ना एक दो आदमी के सपोर्ट करते हैं ऐसा तो ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, रुआ बात के समझनी, हमारा खातिर उस सब भोजपुरिया दिल के टुकड़ा बा जे भोजपुरी खातिर काम करता, भोजपुरी खातिर मरत बा, भोजपुरी खातिर जियत बा, कोनो राजनीति नहीं करत, कोनो जात पात नहीं करत, जे जात पात करता, जे समाज के बाँटता, जे समाज के भाव भावना के बाँटता, उ ना कबो गीतकार रहल बा, ना कबो गायक रहल बा, ना कोनो सामाजिक सेवक रहल बा, उ बिल्कुल कालनेमी के रूप में भोजपुरी समाज के छले खाती आई रहे, छलता ऐसा छलिया लोग से अपना भोजपुरी समाज के भी सजग रहे के चाहिए, चाहे हम ही काहे ना हुई। अगर हमारे गलत ओ तरह के विचार व्यवहार होके तो हमारा से भी सजग रहे के चाहिए।